हेलो गाइस, अगर आपके भी कंप्यूटर का स्क्रीन छोटा हो गया है, स्क्रीन के नॉर्मल साइज से कुछ डिफरेंट हो गया है, आपके कंप्यूटर का स्क्रीन लेफ्ट की तरफ चली गई है या आपके कंप्यूटर का स्क्रीन राइट की तरफ चली गई है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन लेफ्ट की तरफ खिसक गई है और राइट साइड में देखेंगे तो ऊपर से नीचे एक पट्टी, काली काली पट्टी दिख रही है। इसको हम कैसे फिक्स करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये हमारे कंप्यूटर में कब आता है और क्यों आता है। इसके आने के कई रीजन है। अगर आप अपने सिस्टम में नया विंडो इंस्टॉल करते हैं तो भी आपके सिस्टम में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगर आप अपना मॉनिटर चेंज करते हैं तो भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। या पूरा सीपीयू चेंज कर दें, मॉनिटर वही पुराना वाला रहे, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिंपली आपको अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह विंडो पॉपअप ओपन होगा। तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रेजुलेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्रीन रेजुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका सेटिंग देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो रेजुलेशन का साइज अभी 800 से 600 के रेशियो में है, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप इसे ऊपर नीचे करके अपना स्क्रीन रेजुलेशन सही कर सकते हो। अगर आपका रेजुलेशन साइज नीचे वाले पर क्लिक है तो आप ऊपर वाले पर क्लिक, या आप चाहे तो इसे स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे ले जा सकते हो। तो जैसे आप चाहे इसे ऊपर ले जाएं, उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डेमो स्क्रीन आएगा और ये बताएगा कि अगर आप कीप चेंज पर क्लिक कर देते हैं तो आपका स्क्रीन आगे से इस साइज में रहेगा। अगर आपको ये साइज सेलेक्ट करना है तो कीप चेंज पर क्लिक करें, बट अगर ये साइज नहीं चाहिए तो आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हो। मैंने कीप चेंज पर क्लिक किया बट मेरा स्क्रीन अभी सही नहीं हुआ। तो फिर से आपको क्या करना है, अगर आपका स्क्रीन भी सही नहीं होता है तो फिर से आपको अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, स्क्रीन रेजुलेशन पर जाना है और अब आपको यहाँ से क्या सेटिंग करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपको सिंपली अपने माउस का कर्सर यहाँ एडवांस सेटिंग पर लाना है। एडवांस सेटिंग पर लाने पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा लिस्ट ऑल मोड्स, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्क्रीन के रेजुलेशन साइज मिल जाएंगे। तो आप इनमें से क्लिक करके बारी बारी से देख लेना की कौन से वाले पर आपका स्क्रीन फुल साइज में चल रहा है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फिर से अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो पॉपअप आएगा। तो अगर आपके हिसाब से लगे स्क्रीन ठीक ठाक दिख रहा है तो आप यस पे क्लिक करें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा और आपका स्क्रीन का साइज अब फुल स्क्रीन साइज में दिखने लगेगा, पूरे डेस्कटॉप पर दिखने लगेगा। अगर यही सेम प्रॉब्लम आप विंडो 10 में सही करना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।